नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों संदेश खाली में महिलाओं से रेप की घटनाओं के बारे में मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल का एक गांव संदेश खाली इन दिनों खूब चर्चा में है। 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने इसका नाम सुना था, लेकिन आज हर न्यूज चैनलों की मुख्य खबरों में शामिल है संदेश खाली। संदेश खाली में ऐसा क्या हुआ है कि इसके आधार पर पूरे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होने लगी है। इसमें कितनी राजनीति है और क्या है सच्चाई, ये सब आपको पत्रकार नम्रता चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून के बंगाल टेरर फाइल के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान जैसे देश में, पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में उन्हीं के विधायक शेख शाहजहां और उनकी पार्टी टीएमसी के संरक्षण में महिलाओं और बहुओं का कैसे हो रहा है रेप। तो ये थोड़ा सा प्रकाश डालिए, चल क्या रहा है बंगाल में? मैं बताता हूँ नम्रता, 2 मिनट की सिर्फ सुनिए। अगर कल को कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेता उतरे गाड़ी से और कहे कि इस मोहल्ले वालों अपने अपने घरों की बहू बेटियों को सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सुंदर है और जो सुंदर पसंद आए उसे मैं ले जाकर रेप करूंगा, कैसा लगेगा? अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहाँ नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे, कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, ये बंगाल के संदेश खाली में हुआ है। और महिलाओं ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, एक एक महिलाएं सामने आ रही है, कोई भी ऐसा घर में बहू बेटी को उठा ले जाते थे, उसके पता है घर के मर्दों को क्या कहा जाते थे कि पत्नी होगी तुम्हारी, बेटी होगी तुम्हारी, पर अधिकार हमारा है। और सारे मोहम्मदन लोग, ये जो शेख शाहजहां है वो टीएमसी का विधायक है, टीएमसी के विधायक शेख शाहजहां बाजार में खड़े होकर कहता था कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मुझे हिंदू और ट्राइबल खास करके लड़कियां चाहिए। पुलिस प्रशासन उसकी मदद करता था जाके उठा के लाने में, शाम होते ही वो किसी भी घर में घुस जाते थे। और मैं बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू या ट्राइबल महिला को टीएमसी में पोस्ट चाहिए तो क्या कहते थे पता है? कि साड़ी उतार कर दिखाओ, मैं देखूंगा, पसंद आएगा तब तुम्हें पोस्ट दूंगा। ये आरोप है वहां की महिलाओं के, वो बंगाली में चिल्ला रही थी, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आया और कोई कवरेज नहीं हुआ उनका। ये वहां टेरर है, आतंक राज, और ये उस राज में हो रहा है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, महिला है ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल बंगाली में प्रोटेस्ट हुआ, चलिए हमें हिंदी वालों को समझ नहीं आया, ममता बनर्जी को भी समझ में नहीं आया, खुद महिला होने के बावजूद सब समझ में आया है, सब समझ में आ रहा है। बंगाल की हालात आज वही है जो लालू राज में बिहार के हालात हुए थे। हर जिले में टीएमसी का एक बड़ा गुंडा है, बड़ा गुंडा 10 नीचे वाले गुंडे को पकड़ता है और वो उनका राज चलाते हैं। पता है नम्रता, अगर आपको बंगाल में कोई मकान बनाना हो तो आप स्वयं नहीं बना सकते, आपको टीएमसी के दफ्तर में एक अर्जी लगानी होती है। टीएमसी के दफ्तर में बैठे गुंडे डिसाइड करते हैं कि कौन ईंट सप्लाई करेगा आपका, कौन सीमेंट देगा, कौन बालू देगा, कौन छड़ देगा, और वो एक ठेकेदार देते हैं तब आपका मकान बनता है। उनके कहे के अनुसार किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप नहीं खरीद सकते, वो टीएमसी के लोग होंगे जो बालू सप्लाई करेंगे, जो सीमेंट सप्लाई करेंगे, सब कुछ। छोटी छोटी बातें, हर तरह का यूनियन है वहां, रिक्शा से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर सब कुछ। और हर यूनियन का पता है हेड कौन है? टीएमसी का कोई नेता। एक फरमान आता है कि कल इलेक्शन है, आप लोगों को नहीं जाना है वोट देने, वोट की पर्ची होती है वो आप टीएमसी दफ्तर में जमा करें या जगह बता दिया था वहां जाके जमा करें। और सीआरपीएफ कहां लगाएगा? बूथ के पास लगाएगा ना, वो 100-200 मीटर पे बैठा रहेगा टेबल कुर्सी लगा के, और पर्ची जमा कीजिए, और नहीं जमा कीजिएगा तो बोलेगा कि सीआरपीएफ चली जाएगी कल, चुनाव खत्म होने के बाद उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम दे दो वोट। और जिसने वोट देने की कोशिश की, जिंदा मारकर पेड़ पे लटका दिया गया चौराहे पे ताकि बाकी लोग डरे। 21 लोगों को इस तरह जिंदा लटका दिया गया था, 51 महिलाओं का रेप हुआ था, आरोप यह था कि इन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया। लोग पूछते हैं ममता क्यों जीतती है, ऐसे जीतती है ममता, कैसे वहां का आदमी किसी दूसरे को वोट देगा? और जहां शेख शाहजहां जैसे लोग विधायक बने हुए हैं, जो कि ये कह के विधायक है कि मैं बांग्लादेशी, और ममता बनर्जी संरक्षण देती है, पता है जहां ये घटना हुई बशीरहाट में इलाका आता है, वहां की सांसद कौन है? हीरोइन जो जैन बन गई, कल वैलेंटाइंस डे में वीडियो बना रही थी, उसके इलाके में 2000 महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है कि उनके साथ रेप हुआ, घर में घुसकर बहु बेटियों को उठा लिया गया और वो वैलेंटाइंस डे मना रही थी। ये हालत है बंगाल की, बाहर के लोगों को क्या मतलब है कि बंगाल कैसा चल रहा है?
किसी के घर में, मैं एक क्षण के लिए आप सोचिए, किसी के घर में कोई नेता घुसे बोलता है तुम्हारे घर में नई नई बहू आई है, तुम्हारी बेटी सुंदर है, मैं उठा के ले जाना चाहता हूँ, रेप करना चाहता हूँ, अब बाद में वापस छोड़ दूंगा, क्या कीजिएगा? लेकिन मजबूरी ऐसी, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं के साथ है। एक और मैं बताता हूँ जानकारी, जिस दिन इन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया ना, वहां के डीएम के ऑफिस के सामने ये जमा हुई पारंपरिक हथियार झाड़ू डंडा लेके कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप मामला दर्ज करो। उस रात को क्या हुआ पता है? पुलिस और शेख शाहजहां ने फोर्स बनाई है, शाहजहां फोर्स नाम है उसका, उसके गुंडे घरों में घुसे रात में, आग लगा दिया घरों में, मर्दों को पीटा, महिलाओं को खींचकर बाहर निकाला, कहा कि सुना है कि तेरा बहुत ज्यादा रेप हुआ है, हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है तुम। और ये पुलिस और शाहजहां फोर्स दोनों साथ कंबाइन करके ये काम कर रहे थे। 23 गांव ट्राइबल गांव की ये घटना, क्या करेगा अभी बताइए? सोचिए, मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का सपना देखने वाले नेताओं के सामने ऐसी क्या है मजबूरी कि तुष्टीकरण की राजनीति में उनकी जुबान सिल गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी, जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में देश और समाज को तोड़ने वाली इतनी बड़ी शर्मसार करने वाली घटना के बारे में न तो कुछ सुनाई दे रहा है और न दिखाई पड़ रहा है। उन्हें तो बस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में किसी तरह शामिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए रास्ता बनाना। लेकिन अखिलेश यादव इन्हें यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। खैर, ये पब्लिक है, सब जानती है, और फिर करेगी 2024 में ऐसे सियासी दलों के पाई पाई का हिसाब। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।